नमस्कार दोस्तों, रेगुलर मुद्दे पर तो बात चलती रहती है। आज एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, और यह मुद्दा है लोकतंत्र का। और सवाल यह है कि इस्लामिक देशों में लोकतंत्र क्यों नहीं है। इसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। साल था 1945। सऊदी का राजा मलिक अब्दुल अजीज आल सऊद ने लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत के डेक पर वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से मुलाकात की थी और एक समझौता किया था कि सऊदी अरब अमेरिका को हमेशा तेल देता रहेगा और बदले में अमेरिका उसके परिवार की सुरक्षा करता रहेगा। ये समझौता आज तक चल रहा है। ये केवल खाड़ी के एक देश का किस्सा नहीं है। खाड़ी के जितने भी देश हैं और वहाँ के जितने भी किंग हैं, वो अपने और अपने परिवारों की रक्षा के लिए अपनी सेना पर कभी भरोसा नहीं करते। इसके बदले वो पश्चिमी देशों को मोटा पैसा देते हैं ताकि उनके परिवारों की सुरक्षा हो सके। इस कारण आज किसी भी इस्लामिक देश में लोकतंत्र नहीं है। भारत में भी बार बार शरिया कानून का जिक्र होता है। वो तो यहाँ इनकी आबादी कम है, वरना शायद भारत में भी लोकतंत्र मर चुका होता, शरिया जिंदा हो चुकी होती। लेकिन 1 जून 2023 को सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इस्लाम एंड डेमोक्रेसी की एक बैठक हुई। बैठक में लोग इकट्ठा हुए जिनका विषय था कि अमेरिका को मुस्लिम दुनिया में लोकतंत्र का समर्थन क्यों और कैसे करना चाहिए। यह सवाल हर साल उठाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ लोकतंत्र कैसे लागू हो। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद नए नए राज्यों का गठन होना, उनमें लोकतंत्र का उदय होना अपने आप में एक अविश्वसनीय घटना थी। राजशाही शक्तियों का पतन हो रहा था, आम नागरिक सत्ता के केंद्र का हिस्सा बन रहे थे। अभी तक के सबसे बड़े मौलिक अधिकारों में से ये एक था। ईसाइयत भी लोकतंत्र अपना रही थी। भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों में भी नवनियुक्त सत्ता आज़ादी का सूरज देखकर लोकतंत्र और संघीय ढांचों में विश्वास कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम में लोकतंत्र में अभी भी अंधेरा था। आम नागरिकों के अधिकार गौण थे। हालांकि लोगों को विश्वास था कि जिस प्रकार ईसाइयत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बनी, वैसे भी इस्लाम भी बन सकता है। पोप की शक्तियाँ चर्च तक सीमित हो गई, अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसी तरह मुल्ला मौलवियों के फरमान मस्जिद तक सिमट कर रह जाएंगे, ऐसी बहुत लोगों को आशा थी। किंतु इस महान आशा के विपरीत गुजरते समय उगते डूबते सूरज के साथ इस्लाम में मजहबी शक्तियाँ मजबूत होती चले गई। नए नए आतंकी गुट खड़े होते चले गए, शरिया हुकूमत की मांग करने लगे। 70 के दशक में अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों में जहाँ उदार व्यवस्था चल रही थी, मुल्लावाद नहीं था, वहाँ भी इस्लामिक आंदोलन होने शुरू हो गए और कड़े से कड़े शरिया कानूनों की मांग होने लगी, जिसके देखा देखी पाकिस्तान में जनरल जियाउल्लाह ने भी इस्लामिक कानून बना डाले। नतीजा आज एशिया से लेकर मध्य एशिया इस्लामवाद की भीषण अग्नि में जल रहा है, और सवाल बन रहा है क्या वो लोकतंत्र का शीतल रस पी सकेगा। शायद ये परिवर्तन अत्यंत पीड़ादायक और लंबा समय लेने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि कैथोलिक चर्च का मध्य युग में एक प्रतिक्रियावादी शक्ति के से वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप में विकास जो हुआ वो अभी तक जारी है। तो फिर मक्का का मजहब, जो कि अपने एक समस्या उत्पन्न करने वाले ग्रंथों से भरा पड़ा है, उससे कैसे उम्मीद करे कि ये प्रक्रिया अत्यंत शीघ्र और उलझन के बिना निपट जाएगी। इस बोनी संभावना के साथ ही अनेक लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इस्लाम लोकतंत्र से कभी सुसंगत हो सकेगा। तो इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए कि ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए अधिक मेहनत की ज़रूरत होगी। इसलिए नहीं कि मस्जिदों द्वारा सरकार से नियंत्रण हटना इतना आसान दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस्लाम की सभी पुस्तकें और मौलवी लोकतंत्र को एक सिरे से खारिज करते हैं। अधिनायकवाद या तानाशाही मुस्लिम जनसंख्या वाले देशों में कहीं अधिक है। इस्लाम अत्यंत कम राजनीतिक अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों की नई मांग लोकतंत्र से जुड़े अपने अधिकार, यहाँ के तानाशाह लोगों को लोकतंत्र के इस्लाम और उसमें लिप्त शरिया कानून देने के पक्षधर है। तो कुछ इस राय के साथ जो कि पैगंबर ने लिख दिया, वही पीढ़ियों तक चलना है। इस कारण शोषित मुसलमान जो गरीब है और भी ज़्यादा शोषित हो रहा है, और शोषणकारी लोग मुसलमान इस्लामवाद के नाम पर मुल्ला मौलवी आनंद ले रहे हैं। यदि इस बात को दूसरे ढंग से रखे तो निश्चित रूप से इस्लाम अपनी मूल भावना में ही अलोकतांत्रिक है। ऐसे में सवाल बन सकता है कि पहले तो सब जगह ही राजा होते थे, तो फिर उन देशों में कैसे लोकतंत्र आया। दरअसल इस्लामिक देशों में यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, खास तौर पर 19वीं सदी के मध्य से, जब शासक और बुद्धिजीवी दोनों ही अपने समाज की गरीबी, अपने राज्यों की कमजोरी के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे थे, जबकि पश्चिम की संपत्ति, शक्ति, आक्रामक आत्मविश्वास इसके विपरीत था।
या कहो कि 1000 से अधिक वर्षों के बाद एक नाटकीय परिवर्तन था, जिसके दौरान काफिरों की भूमि में यात्रा करना निंदनीय और निषिद्ध माना जाता था, सिवाय बहुत कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए, जैसे कि बंदियों को छुड़ाना, अकाल के समय भोजन लूटना या लोगों को लूट कर ले जाना, हिंसा करने जाना। इसके अलावा काफिर की ज़मीन पर पैर रखना निषिद्ध था। हाँ, कुछ सुधार की कोशिश हुई लेकिन वो हटा डाले गए। जैसे सूडान के विचारक मोहम्मद तहा ने शरिया कानूनों की पुनर्व्याख्या का उदाहरण तब दिया जब उन्होंने इसे फिर से पढ़ा और खतरनाक इस्लामिक कानूनों को थोक के भाव में वहाँ समाप्त किया। उन्होंने कहा था कि इस्लाम भी बदलता रहता है, इसलिए समझना गलत होगा कि मजहब को सदैव वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह था। एक बार कायरो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हसन हनाफी ने कहा था कि कुरान एक सुपरमार्केट है, जहाँ से जिसे जो चाहिए वो उठा लेता है और जो नहीं चाहिए वो छोड़ देता है। अगर इन चीज़ों को भी छोड़ दे तो मुसलमानों ने शायद ही इस्लाम को आधुनिक बनाने के लंबे और कठिन मार्ग का आरंभ का कभी जिक्र किया हो। 7वीं सदी की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर उसे 21वीं सदी के पश्चिम प्रभावित सिद्धांतों के अनुकूल बनाने के बजाय आज का इस्लामिकवादी आंदोलन, जो कि मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करता है, वो उसे लोकतंत्र से दूसरी दिशा में धकेल रहा है। इसके बजाय शरिया को पूरी तरह पुनर्जीवित करने के लिए और पूरी कठोरता से लागू करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर से ले लिया जाए। वहाँ स्थानीय नागरिक, जिनमें जम्मू में हिंदू सिख बहुलता है, लद्दाख में बौद्ध मत को मानने वाले हैं, जबकि घाटी में इस्लाम को मानने वाले बहुसंख्या में हैं। जहाँ जम्मू और लद्दाख के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग है, राज्य में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के पक्षधर है, वहीं घाटी में अधिकांश लोग धर्मनिरपेक्षता को नकार कर इस्लामिक गणराज्य और शरीयत के अनुसार शासन चाहते हैं, जिसके लिए वो हिंसा करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसके अलावा लोकतंत्र और इस्लाम के बीच की दूरी को इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दारुल कजा कमेटी के ऑर्गेनाइजर काजी तरबेज आलम के एक बयान से भी समझ सकते हैं, जो उन्होंने जून 2018 में दिया था तथा भारतीय संविधान को नकारने जैसा था। काजी तरबेज ने कहा था कि मुसलमान कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाए, बल्कि अपने मुकदमे शरिया अदालतों में निपटाए। इसके लिए उन्होंने कहा था कि हाल ही में हर ज़िले में दारुल कजा अदालत खोलने जा रहा है। एक किस्म से संविधान की अवमानना जैसा था, या कहो इस्लाम के नाम पर एक बहु सांस्कृतिक वाद और इस्लाम व अन्य मतों के बीच रेखा, संवैधानिक रेखा खींचने जैसा है। इसका कारण यही है कि इस्लाम लोकतंत्र से चल ही नहीं सकता, वो तो मस्जिदों मदरसों से चलता है। उसे राजा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, आतंकी संगठन और मुल्ला मौलवी चलाते हैं, जिससे उन देशों के गरीबों को गरीब बनाकर रखा जाए ताकि उनका इस्लाम अल्लाह के नाम पर चलता रहे।